जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और राजद नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के लोग बिहार में एक एमपी जीता नहीं पाए और पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। जीरो एमपी वाली पार्टी की आज बिहार में कोई ताकत नहीं है। बिहार में लोगों को लगता है कि आरजेडी बहुत बड़ा दल है, लेकिन चुनाव की समझ हमको भी है। पिछले 10 सालों में हमने भी यही काम किया है। पिछले विधानसभा में कुछ परिस्थितियां बन गई हैं, जिसके चलते उनके 20-30 विधायक जीत गए। अगर कोई अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनका पोस्टर लगा दे तो इसका क्या मतलब है? कल तो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई किसी को बैठा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आज आरजेडी का खुद का ठिकाना नहीं है और वो देश को प्रधानमंत्री कैसे देंगे? आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये जीरो एमपी की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें राजद के जीरो एमपी हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है वो कोई गणित एक व्यवस्था एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10-20-50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके जीरो एमपी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा, देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का एक एमपी नहीं जिताया है। और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। उनकी क्या क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना एमपी जीता हुआ बोल रही है? उनके जीरो एमपी है। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दे तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा, देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का एक एमपी नहीं जिताया है। और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। उनकी क्या क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना एमपी जीता हुआ है?